बसमिल रिमन रिहिम डर स्टूडेंट्स टुडे विल डिस्कस अनदर अदर डिजीज मलेरिया या इट्स अ प्रोटोजुअल डिजीज काज बाय अ प्रोटोज़ूम च इज़ कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम प्लाजमोडियम यह प्लाज्मोडियम जो है इट इज ए डाईजैनिटिक ट्राईफेजिक पैरासाइट आपको याद होगा ये कल जो हमने इन प्रीवियस वीडियो जो हमने मानोजेनेटिक uh, मैंने आपको बताया था पैरासाइट विच कंप्लीट देर लाइफ साइकल इन वन होस्ट ये एक डाइजेनेटिक होता है डाइजेनेटिक पैरासाइट बिकॉज इट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन टू होस्ट्स फीमेल एनाफ्लिस मॉस्क्यूटो हाँ फीमेल मॉस्क्यूटो एनाफ्लीज एंड द मैन राइट ओके बेटा ये जो इंडियन आर्मी में एक डॉक्टर थे सर रूनोल्ड रॉस उन्होंने 1897 में वो डॉक्टर थे डॉक्टर इन इंडियन आर्मी ये यहाँ पे लिखते हैं इन इंडियन और भी। तो उन्होंने ये पता चलाया था पहले कि ये जो मलेरियल पैरासाइट है इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ फीमेल दिस मॉस्क्यूटो उस पर जो है उनको नोबल uh, प्राइज़ मिला था राइट right? तो इंडियन uh, आर्मी में ये डॉक्टर थे इन्होंने एस्टैब्लिश दैट Malarial parasite is transmitted by the bite of female leaves mosquito. मॉस्किटो और इसके लिए जो है ये गाठ नोबल प्राइज फार विच ई गाठ नोबल प्राइज़ कभी कभी ये आ सकता है ऑब्जेक्टिव नोबल प्राइज राइट अच्छा मेडम ये जो ये मलेरियल पैरासाइट है इट इंटर्स ह्यूमन बॉडी एज पोरोजाइट दैट इज़ प्लाज्मोडियम की जो इन्फेक्शस फॉर्म है द ऑफ दिस प्लाज्मोडियम इन विच इट कैन काज इन्फेक्शन उसको कहते हैं सुपोरोजाइट सो so, तो इंसान की बॉडी में जो है ये इन्फेक्शस फॉर्म में इंटर होता है ठीक है ना एज सुपोरोजाइट, सो द मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम ये इंटर होता है ह्यूमन बॉडी में सुपोरोजाइट्स पोरोजाइट्स uh, अच्छा तो सुपोरोजाइट ये या आप याद रखें अब इट इज़ द इन्फेक्शस फॉर्म ऑफ दिस प्लाज्मोडियम कैसे थ्रू जो आपने अभी पढ़ा द बाइट ऑफ थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टिड फीमेल इनफ्लिज मॉस्किटो इसकी बाइट से जो है एज स्पोरोजाइट इट इंटर्स द ह्यूमन बॉडी ठीक है ना तो मॉस्किटो जो ये ना फीमेल इसको वेक्टर कहते हैं बिकॉज इट इज़ द केरियर ऑफ दिस पैरासाइट दिस पैथोजन अच्छा ये सुपोरोजाइड जो हैं वे लिवर में पहुँच जाते हैं ब्लड के जरिए वहाँ पर ये मल्टीप्लाई होते हैं और फिर जो है ये अटैक करते हैं आर को ठीक है यहाँ पर एक बात आप याद रखें ये जब मैचर होते हैं ना यहाँ लिवर पे आफ्टर मल्टीप्लिकेशन तो उस स्टेज को कहते हैं इनको कहते हैं शीज ऑन्ट राइट शीज ऑन चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं दिपोरोजाइट्स रीच द लिवर ठीक है ना? हाँ तो लिवर में किसके जरिए थ्रू ब्लड वायर दे फर्स्ट मल्टीप्लाई उसके बाद जो है एंड देन वो अटैक करते हैं और भी चीज़ को ठीक है, तो उसे जो है एक टॉक्सिक सबस्टेंस से प्रोड्यूस करते हैं कॉजिंग देर रेप्चर ये जब आरबीसी को अटैक करते हैं तो इनको ये रप्चर करते हैं ठीक है तो वो जब रप्चर करते हैं तो उससे जो है विच लीड्स तो रिलीज ऑफ टॉक्जिक्वाइन ठीक है ये रिलीज करते हैं जो एक टॉक्सिक सब्सटेंस है उसका क्या है उससे जो है चिल्ल होती है और प्रेशर कभी बढ़ जाता है कभी गिर जाता है तो मैं यहाँ पे नोट करूँ विच काजेस आपने मलेरिया में सुना होगा कि पेशेंट को कभी ठंड लगती है कभी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ठीक विच काजेज चिल एंड राइज इन टेम्परेचर हायर एक रिंग जो बार बार आता है फीवर एवरी थ्री टू तो फोर डेज ठीक है अच्छा है। जब ये फीमेल मॉस्किटो है जब ये बाइट करती हैं इन्फेक्टेड ह्यूमन बींग को तो ये मलेरियल पैरासाइट जो है वो इंटर होता है उसकी बॉडी में वहाँ वो डेवलप होता है ठीक है ना उसके बाद वो उसके जो है सिल्वरी ग्लैंड तक आ जाता है उस स्टेज में इसको कहते हैं स्पोरोजाइट विच इज़ द इन्फेक्शस फॉर्म ऑफ दिस प्लास्मोडियम फिर जब यही इन्फेक्ट इनऑफलीज जब बाइट करती है एक हेल्दी पर्सन को तो वो इंट्रोड्यूस करती है ये स्पोरोजाइट उसके ब्लड में ताकि वो जो है सफ़र करते हैं फ्रॉम मलेरिया ठीक है ना तो यहाँ पे अगर आप चाहें मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे लिख लूँगा विन दिनेल एनओफलीज बाइट्स मलेरियल पेशेंट उसे क्या होता है ये जो पेशेंट द मलेरियल पेरासाइट ठीक इंटर्स इनटू इट्स बॉडी ठीक ये बॉडी पे इंटर हो के वो डेवलप होता है डेवलप्स दियर फर्दर री ग्लैंड ग्लैंड ठीक है एंड इसी को कहते हैं स्पोरो जॉइट ठीक है जब ये जो है मिनिट बाइट से चलिए जब यही बाइट करती हैल्दी पर्सन तो वहां पे जो है इट इंट्रोडूस द स्पोरोज वाइट ठीक है इनटू द बुलड इनटू हिज बुल्ड ठीक है टू मेक हिम सफ़र फ्राम मलेरिया इस तरह से जो है सेहतमंद इंसान जो है वो सफ़र करते हैं फ्रॉम मलेरिया राइट अच्छा अब इसकी क्लिनिकल साइनज़ एंड सिम्टम्स क्लिनिकल साइनज़ एंड सिम्टम्स ऑफ मलेरिया ठीक है अच्छा जी ये जो है हम लिखेंगे इट इज करेक्टराइज बायिंग ठीक है टायर्डनेस थकावट होती है सर दर्द रहता है एडिक अच्छा मस्कुलर पेन रहती है मस्कुलर पेन ठीक है अच्छा है। और जो है फीवर बार बार चढ़ते हैं रेकरिंग कभी गिर जाता है कभी बढ़ जाता है रेगर्स तो ये रहता है लास्टिंग सिक्स टू टेन आवर्स एक, अच्छा अब इसमें जो है तीन स्टेजेस होते हैं इसके दरार थ्री स्टेज एक ओल्ड स्टेज दूसरा हॉट स्टेज और तीसरा स्वेटिंग स्टेज देखो बेटा कोल्ड स्टेज में जो है सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है हाँ इसमें शिवरिंग होती है चील एंड शिवरिंग चील एंड शिवरिंग अच्छा हॉट स्टेज में जो है टेम्परेचर राइज होता है टेम्परेचर इंक्रीजेस ठीक है और स्वेटिंग स्टेज में जो है परस्परेशन होती है और ग्रेजुअली जो है टेम्परेचर गिर जाता है wetting stage may it leads to perspiration and gradual fall in temperature and in next video we'll discuss the uh, types of this uh, plasmodium this it is different species and different types which lead to different types of malaria Aslami.